है। ग्वालियर में उधार के पैसे मांगने पर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दरअसल मुरार इलाके में दुकानदार के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी और जब घायल बाप को बचाने उसका बेटा पहुंचा तो आरोपियों ने उस बेटे पर भी तलवारों से हमला कर दिया। दुकानदार के बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपसे मामला था जो कुछ बात विवाद पैसे के लेन देन के चक्कर में हुआ, जो है तलवार जैसी कोई नुकीली चीज थी उससे इन्हें हमला कर दिया। एक घर में लगी है चोट, जो है वो भर्ती है बड़े हॉस्पिटल में। कितने लोग इसमें घायल हुए? 3 आदमी हैं। इसमें क्या कोई ऐसी गंभीर समस्या भी आई है किसी साथ? गंभीर चोट है वो लड़के के, मनोज पाल के। धाराएं कौन सी कन्वर्ट की गई हैं? धारा 324 में कायम हुई है और आगे चल के हो सकता है 326 या और जो भी धारा बड़ी बन जाए। सर कटिंग आई है, तलवार जैसी नुकीली चीज़ से इन्हें हमला किया। अपराधियों के नाम क्या है? एक का नाम है रामसिया बघेल और एक का नाम है संदीप, वो भग गया है। आरोपियों की कोई मतलब अभी पकड़ा दकड़ी हुई है कि नहीं? पकड़ा दकड़ी नहीं हुई है, शाम तक उनको पकड़ लिया जाएगा।